तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सत्ता के महासंग्राम की अलग अलग दिलचस्प तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था जब गुना लोकसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्येक बूथ पर जाकर वहां की व्यवस्थाएं देख रहे थे कि किस तरीके से नामांकन हो रहे हैं, कोई अव्यवस्था तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी बीच दिग्विजय सिंह का भी एक बयान कि वहां तमाम बूथों से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको रोकने दिया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है और उम्मीद है कि वहां से कोई ना कोई एक्शन यहां पर लिया जाएगा। तो ये अलग अलग तस्वीरें तो सामने आ ही रही, साथ ही हमारे कुछ खास जो पैनल में गेस्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं और आगे भी कुछ और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। उचित जी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही अजय गंगवानी जी भी जुड़े हुए हैं। अब चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सवालों के जवाब देने का इंतजार कर रहे थे अजय जी, तो आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो देश की आम जनता लड़ रही है। आज ये कांग्रेस से विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, जो लगातार 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, महंगाई चरम पे है, आर्थिक असमानता चरम पे है, महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और ये इन सब मुद्दों को लेकर देश की जनता चुनाव लड़ रही है। और जिस प्रकार से मतदाता साइलेंट है, जो एक अंडर करेंट चल रही है, ये 4 जून को जो परिणाम आएंगे बहुत अप्रत्याशित होंगे और देश की जनता ये निर्धारित कर चुकी है कि मोदी सरकार की विदाई तय है। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आज 7 सीटों पर चुनाव है, 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, उसने 5 लोगों की टिकट काटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 5 साल तक निष्क्रिय रहे, लापता रहे, छत्तीसगढ़ की जनता के मुद्दों को न लोकतंत्र के मंदिर में उठा पाए। पार्टी किसी कैंडिडेट का टिकट काटती है या देती है ये तो पार्टी का काम है, पार्टी का अधिकार है, शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, लेकिन जब कैंडिडेट ही टिकट लौटाने लग जाए तो यहां पर आप किसकी कमी देखेंगे? क्या नेतृत्व की कमी नहीं है इसके पीछे? देखिए, मेरा निवेदन है कि आप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भरपूर मौका देंगे, आपके प्रश्न हो, आपकी साथी मैडम के कुछ प्रश्न हो तो जोड़ दीजिए ताकि मैं जवाब देना शुरू करूं तो मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। अगला 1.5 मिनट मुझे दीजिए, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा जी। और कुछ प्रश्न है तो जोड़ लीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि आज पूरे देश की जनता ही जानती है कि विपक्ष के नेताओं को ईडी आईटी सीबीआई के दम पे मोदी के वॉशिंग पाउडर में धो के साफ करके जिस प्रकार से अपनी पार्टी में मिलाने की साजिश जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। आज देखिए, गुजरात में इनके जो सिटिंग एमएल जो थे, एमपी थे, उन्होंने भी टिकट लौटाई। क्या मोदी जी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? देखिए, महत्वपूर्ण एक बात कहना चाह रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। क्या देश पर ऋण 55 लाख से बढ़ के 205 लाख करोड़ 4 गुना बढ़ गया? क्या देश का विकास है? आज मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी लोग देश छोड़ के जर्मनी भाग जाते हैं, क्या देश का विकास है? आज भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे, क्या देश का विकास है? 27 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देते हैं, क्या देश का विकास है? 30 से ज्यादा सार्वजनिक उपकरों को, एयरपोर्ट को, बंदरगाह को निजी हाथों में सौंपने की साजिश जो षड्यंत्र किया जा रहा है, क्या देश का विकास है? महत्वपूर्ण यह है, जो संविधान को बदलने की साजिश, आरक्षण को समाप्त करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, जो आरएसएस और भाजपा का हिडन एजेंडा है, ये देश की जनता समझ रही है। आज देखिए, मोदी चेहरे के आज चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, मैं 3 उधार देता हूं। आज इनकी नवनीत राणा जो सांसद का चुनाव लड़ रही है, वो स्पष्ट रूप से कहती है कि मोदी लहरा, मोदी जैसा जादू की कोई बात नहीं है। आज इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो भी इस बात को स्वीकार करता है कि मोदी लहर जैसी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आरएसएस का मुख्य प्रश्न ऑर्गेनाइजर ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं जीत सकते, हिंदुत्व में राजनीति करके सरकार नहीं बना सकते, ये सारे इस बात के प्रमाण है। आज अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्गा, अरुण गोविल, इनके सारे बयान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 400 सीट से ज्यादा लाएंगे, देश के संविधान की मूल आत्मा को बदलने की साजिश जो षड्यंत्र किया जा रहा है। आज आरएसएस के प्रमुख बिहार चुनाव के समय कहते हैं, इनके प्रवक्ता मनमोहन वैद्य कहते हैं कि भाई आरक्षण की समीक्षा करके समाप्त करने का समय आ गया, तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है ये देश का आम चुनाव नहीं है, देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को लड़ाने की ये जनता चुनाव लड़ी है। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस प्रकार से मुद्दों को डाइवर्ट करने के बजाय शुरू हो गया है, चुनाव प्रचार में थोड़ा समय लगता है, अभी हम लोग टीवी डिबेट में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न मैं और जोड़ूंगा, लंबे ज्यादा उत्तर करने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बात, छोटे प्रश्न छोटे उत्तर, ताकि और भी लोगों को मौका मिले। एक छोटी सी बात, आपने महिला सम्मान का प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता अगर ये पार्टी पर आरोप लगाकर जाती हैं
कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही है, उन्हें शराब ऑफर की जा रही है, उनके उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, और महिला नेता ही उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं घर में शादी है, चुप रहिए, आखिर कब तक कोई चुप रहेगा, वो ये प्रश्न उठा रही हैं। तो ऐसे जब प्रमाण सामने आएंगे तो जनता को आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी सही काम कर रही है या भारतीय जनता पार्टी गलत? आशीष, एक बात और, अब वो भी बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार है। आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन कर रही है। अजय जी, जी मैम, बहुत अच्छा प्रश्न आप दोनों का। मेरा निवेदन है, 1.5 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण यह है, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिया और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता, ये इस बात से पूरी तरह स्पष्ट हो रहा है कि इस पूरी स्क्रिप्ट, इस विवाद के प्रकरण के पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि उनके जो राजनीतिक गुरु अरविंद सिंह जो लवली जी हैं, वो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते रहे। 3 से 4 दिन पहले वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे। मुझे आपत्ति इस बात से है कि अगर उनको जाना था तो किसी को राजनीतिक मोहरा बना के, किसी पे चारित्रिक हनन का आरोप लगा के इस प्रकार की राजनीति करना, एक महिला होकर एक विक्टिम कार्ड खेलकर इस प्रकार के, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी में जाना था वो स्वतंत्र है। अगर उनके व्यक्तिगत स्वार्थ, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हावी है, वो जा सकती है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला, मैं 10 सेकंड लूंगा, जोड़ी बात कर रहा हूं मैं। आप अजय जी, अब चूंकि उचित जी हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं, उनसे भी सवाल करना जरूरी होता है। आएंगे लौट के आपके पास, बिल्कुल आएंगे। आपके पास बहुत सारी बातें हैं सर, क्या पूरा टाइम आपको ही दे देंगे? बहुत कम समय है, रुकिए थोड़ा सा। उचित जी, अब इस चीज को समझाइएगा जरा, क्योंकि पिछली 2 बार हम देख पा रहे थे कि बंपर वोटिंग हुई तो सत्ता पक्ष की तरफ रुझान आए, परिणाम आए, लेकिन इस बार जो वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, वो जो फॉर्मूला कहा जाता है कि अगर कम है यानी कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है, कम वोटिंग परसेंट, तो क्या इस चीज से कितना इत्तेफाक रखना चाहिए अभी? देखिए, ये पूरे के साइंस और साइंटिफिक तरीके जो है पूरे के परिवर्तन हुए जा रहा है। इसमें आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी भी जगह पे अगर वोट परसेंटेज 1%, 2%, 3% कम हुआ है तो वो सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, आप दोनों को, कि देखिए, बस्तर एक पार्ट है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में 1952 से 40% वोट चालू हुए और अब जो है वो 72-73 तक चले गए हैं, मगर सत्ता में बैठे लोग ही वहां आ रहे थे। तो वो हमेशा से जो सांसद है वो ही जीत के आ रहे थे। तो 40% तब भी, 52 था तब भी, 66% है तब भी, 72 हुआ तब भी। ये ट्रेंड को आप ये नहीं कह सकते कि अगर बढ़ रहा है तो ये सत्ता के खिलाफ जा रहा है, ये ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। और ये साइंस जो है वो सीट बाय सीट पे परिवर्तन हो सकते हैं, वो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसका ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो इनके साथ जा रहा है या इनके खिलाफ जा रहा है। ये बहुत आसानी से हम लोग आपस में, बिल्कुल इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है उचित जी, और इसका जो स्पष्ट परिणाम है बहरहाल वो तो 4 तारीख को आ ही जाएगा, लेकिन इन सभी विषयों पर बात करना भी जरूरी है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, ये संयुक्त रूप से, चाहे वो राजनीतिक दल हो, मीडिया हो, चुनाव आयोग हो या फिर एक आम नागरिक। हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना ने 3रे चरण के मतदान को लेकर News18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुरैना में कोई टक्कर नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान जारी है, धीरे धीरे मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी उन्होंने उम्मीद जताई, और साथ ही प्रत्याशियों को पुलिस लाइन में बिठाए जाने पर भी नजरबंदी जैसी बात उन्होंने इससे इनकार किया। बहरहाल क्या कुछ और उन्होंने कहा, ये सुनवाते हैं आपको। मुरैना में शांतिपूर्वक मतदान लगातार जारी है और किस तरीके से आने वाले समय मतदान होगा, और बात करने के लिए हमारे साथ मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री अदल सिंह कंसाना जी हैं। सर, लोकसभा क्षेत्र में बड़ा शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, किस तरह का आप देख रहे हैं, कितना असर रहा कि आप लोगों ने लगातार समझाइश दी कि किस तरह की हिंसा न हो? शांतिपूर्ण मतदान है, यहाँ कोई इस प्रकार की हिंसा की तो बात ही नहीं है। लोग समझदार है आजकल मतदाता, हिंसा की आवश्यकता नहीं है। एक जमाना था उस समय हिंसा होती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कुशल नेतृत्व तो है हमारे मुख्यमंत्री जी का, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां से बहिष्कार की खबरें आ रही हैं, आपने भी बात की उनसे, क्या मांग कर रहे हैं? छोटी मोटी बातें हैं, उनको समझा दिया गया है और मतदान करेंगे। वो जो प्रत्याशी थे उनको अभी नजरबंद भी किया गया है? नजरबंद नहीं है, एहतियात के तौर पर वो अपनी स्वेच्छा से बैठे हुए, नजरबंद की इसमें कोई बात नहीं। तो क्या लग रहा है सर, इस बार बीजेपी फिर से जीतने जा रही है, कांग्रेस का कोई चुनौती? पक्का कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। तो ये मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार फिर बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज कराने जा रही है, शांतिपूर्वक मतदान लगातार जारी है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, मुरैना।
सुन रहे थे आप और लगातार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं बीजेपी के दो दिग्गज हैं वो दे रहे हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिसमें वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कई जगह हंगामा और मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं। आप ये देखिए कि जंगीपुर सीट में बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष के साथ मारपीट के अलावा मुर्शिदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर भी टीएमसी नेताओं ने हंगामा किया। वहां पर टीएमसी नेताओं ने सीपीएम उम्मीदवार के सामने गो बैक के नारे लगाए। तो वहीं मुर्शिदाबाद के एक और पोलिंग बूथ पर सीपीएम उम्मीदवार ने एक नकली एजेंट को पकड़ने का भी दावा किया, जिस पर हंगामा हो रहा है। तो ये देखिए झड़प की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अब चूंकि जंगीपुर में हंगामा हुआ, सीपीएम टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और नकली एजेंट रहने की बात सामने आ रही है और नकली एजेंट पकड़ने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तमाम इस तरीके की जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग ही उबाल हमेशा से देखा जा रहा है। और ये देखिए दो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और इस भिड़ंत की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रानीनगर में भी हंगामा हुआ। दरअसल जगह जगह पर हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है वो वाकई में हैरान करने वाली है। पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा बल तैनात किया गया है, बावजूद इसके नारेबाजी, झड़प, वाहन रोकना, मारपीट, तमाम ऐसी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस को आज आईना दिखाया। देश में 400 पार और प्रदेश में 29 सीट के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। तो देखिए आज धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किए और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस को आज आईना दिखाया। देश में 400 पार और प्रदेश में 29 सीट के साथ ही मोदी सरकार बनने जा रही है। भाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री राजा भोज की धरती मध्य प्रदेश के राज्य के अंदर आज तीसरे चरण का चुनाव का वोटिंग चल रहा है और ऐसे में माननीय मोदी जी ने अपना स्वयं का वोट डाल करके सीधे मध्य प्रदेश की तरफ आए। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और जिस ढंग से उनकी खरगोन की और धार की सभा हुई मैं हृदय से आभार मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका आज का मार्गदर्शन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत सार्थक भूमिका अदा करेगा। कांग्रेस को उनने कांच दिखाया, आईना दिखाया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्रों को पूरा देश समझ चुका है। यही कारण है कि 2014-2019 में प्रचंड बहुमत से जो मोदी जी ने कहा था, 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, 2019 में 300 पार और अब की बार 400 पार, तो जो कह रहे हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो सब तरफ के समाचार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 29 की 29 और देश की 400 पार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? तीसरे चरण का चुनाव में आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हर मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग जरूर करे। लोकतंत्र का गौरव है और हम सबकी सुचिता जागृति का परिचायक है, लेकिन वोट का उपयोग सदुपयोग में बदले, भाजपा के साथ चले। बदलते दौर में भारत को सशक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय मोदी जी के माध्यम से गौरवान्वित है, तो हम उस क्षण को महसूस करें जो हमारे अंतर्मन में है और 21वीं शताब्दी भारत दुनिया का नेतृत्व करे। इस तरह से माननीय मोदी जी का जो लीडरशिप चल रही है, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रियता में वो अपने पहले पायदान पर पहुंचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का हर मतदाता इस बात को महसूस करता है और वो उनके साथ खड़ा है। तो जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश में आने के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश भर के चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ में तेज गुप्ता, न्यूज 18। और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के मालदा से बंगाल खबर आ रही है बमबाजी की, जहां बूथ के पास बमबाजी हुई है। मुंह पर गमछा बांधे एक शख्स ने वहां पर बॉम्ब फेंके हैं। दरअसल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये बॉम्ब किसने फेंके हैं
और बॉम्ब फेंके जा रहे हैं पोलिंग बूथ के आसपास, जो कि गंभीर विषय है। ये देखिए बंगाल के मालदा से सामने आया, बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के कभी पूरा हो नहीं सकता। इस तस्वीर ने इस बात की फिर तस्दीक कर दी। बंगाल में जब भी चुनाव हो राजनीतिक घटनाक्रम में ये बम धमाके गोलीबारी लड़ाई झगड़ा खून खराबा यहाँ की नियति बन चुका है। और बंगाल की राजनीति का ये असर है, ये प्रभाव है। बंगाल जो कि बुद्धिजीवियों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवियों की ये कहानी है, बिना हिंसा के वो चुनाव पूरा होने नहीं देते। बंगाल में मालदा में बॉम्बबाजी हुई है, बॉम्ब फेंके गए हैं और बॉम्ब फेंके जाने का ये मामला, पोलिंग बूथ के पास ही बॉम्ब फेंके गए हैं। और ये देखिए, और ये बम धुआं धुआं करने के लिए, आवाज़ धमाका करने के लिए, और फिर डराकर वो गमछा बांधा हुआ शख्स आगे बढ़ता है और एक बार फिर से जो वीडियो बना रहे शख्स है उसको धमकाने की कोशिश करता है। और ये देखिए, एक ये बम फेंका गया है और इस बम के धमाके से जो आसपास के पोलिंग बूथ के आसपास जो लोग खड़े हैं उनमें एक दहशत आ जाती है, वो पोलिंग बूथ छोड़कर भागने लगते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। चुनाव के दौरान बंगाल में ये हिंसा की खबरें लगातार चिंता का कारण तो बनी ही हुई हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि बंगाल में चुनाव निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए रहता है। कितनी ही सुरक्षा बल की वहाँ पर कंपनीज लगा ली जाएँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ के लोगों में हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई देती है। और अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराना देखा गया, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव बेहतरीन तरीके से कराए और अच्छे खासे मत प्रतिशत वहां से हासिल किए। 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन बंगाल जैसे बुद्धिजीवियों के प्रदेश में बम फेंके जा रहे हैं, चाकू चलते हैं, लात घूसे चलते हैं, नेताओं को मारा पीटा जाता है, चप्पलें चलाई जाती हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, गाड़ी के आगे चढ़ जाते हैं लोग, गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, कांच तोड़ने की कोशिश की जाती है। सुबह से इस तरह की घटनाएं सामने आई और ये सिर्फ आज की हम बात कर रहे हैं, जबकि बीते कुछ जो चरणों में चुनाव हुए और आगे आने वाले चरणों में जो चुनाव होंगे, क्या इस तरह की तस्वीरें इस बात की तस्दीक नहीं करती हैं कि आगे आने वाले जो चरण के चुनाव है उसमें और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर बंगाल का ये चुनाव हिंसक चुनाव बन चुका है। हर चुनाव में हम देखते हैं, चाहे वो निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ऐसी घटनाएँ होती ही हैं। हालांकि बम फेंके जाने का ये जो पूरा मामला मालदा से सामने आया, ये चिंता का कारण है और परेशानी का सबब है उन सभी लोगों के लिए जो वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा किए गए प्रयासों पर पलीता, और न सिर्फ पलीता लगा रहे हैं बल्कि यहाँ तो धमाका भी हो रहा है और उस पलीते में आग भी लगा दी गई है। ये देखिए, गमछा बांधकर वो शख्स चेहरे पर कपड़ा बांधकर पहले सड़क के ऊपर बम फोड़ता है और उसके बाद फिर भागता हुआ वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ दौड़ता है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये मालदा से सामने आई, लोकसभा के तीसरे चरण का ये चुनाव इस वक्त चल रहा है और इस चुनाव में बंगाल की स्थिति ये है। इससे पहले हमारी सहयोगी रीनू ने जो खबरें दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई, वहां पर हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देखी और अब ये एक और तस्वीर मालदा से। साथ ही एक चिंता का विषय ये भी आशीष की, इतनी गहन चेकिंग होती है, वाहन चेकिंग के दौरान लोगों के घरों के आसपास चेकिंग होती है, बावजूद इसके बॉम्ब लेकर एक युवक पहुंच जाता है पोलिंग बूथ के पास और बमबाजी भी करता है, ये वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और एक बार सीधे हम रुख करेंगे अपने खास पैनल की तरफ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी से पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अब चूंकि वोटिंग प्रतिशत ही सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है, क्योंकि पिछला दो चरण का चुनाव मतदान प्रतिशत कम रहा है और आज जो इस वक्त 1 बजे तक में तकरीबन 40% के आसपास वोटिंग प्रतिशत हुआ है। जेतन जी, पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए इस वोटिंग प्रतिशत को लेकर, फिर आगे बात। जितेंद्र मिश्रा जी, वोटिंग परसेंटेज अभी तक अपेक्षाकृत एक सामान्य सा दिखाई दे रहा है, क्या ये वोटिंग परसेंटेज संतुष्टिजनक मानते हैं आप? निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है ये घटना कि वोटिंग परसेंट तीसरे चरण में भी निश्चित तौर पर कम हो रहा है। इसको बढ़ना चाहिए था। आप हम सब लोगों ने मिलकर लगातार अपील की कि किसी तरीके से मतदान स्थल तक पहुंचे, लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दें। लेकिन बहुत दुखद है कि जिस परिणाम की हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आ पा रहा है। आज मैं लगातार घूम रहा हूँ, आज भी मैं विदिशा लोकसभा के क्षेत्र में हूँ, वहां पर मैंने मतदाताओं समझने का प्रयास किया कि आखिर क्यों घर से नहीं निकल रहे।
तो उनका ये कहना था कि हमको अभी तक मिला क्या 10 साल की सरकार में, हमें ना तो महंगाई पे काबू मिला ना रोजगार के साधन मिले, इसलिए हम क्यों वोट देने जाएं। बहुत सुन के लगा। और मैंने ये भी कहा कि अगर आप किसी राजनीतिक दल से खुश नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके विरोध में वोट डालिए, लेकिन वोट तो जरूर डालिए। आप ये देखिए कि आज सरकार निश्चित तौर पर जो वादे कर रही है उसमें सफल नहीं हो रही है, और यही इस बात का चिंता का विषय। बिल्कुल, तो आप दम भर के जितेंद्र जी ये बात नहीं बोल पाए हैं कि अगर आप मौजूदा सरकार को वोट नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने आपके वादे किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं, तो और भी पार्टियां हैं चुनावी मैदान में, कांग्रेस पार्टी है चुनावी मैदान में। निश्चित तौर पर मैंने ये कहा कि आप जिससे खुश नहीं है उसके विरोध में वोट डालिए, लेकिन वोट डालने जरूर निकलिए। मेरा ये कहना है कि आपने ये कहा था कि अगर महंगाई कम ना कर दूं तो 50 दिनों में चौराहे पे सजा दे देना। आज 10 साल हो गए महंगाई को लेके आपने क्या काम किया, आपकी सरकार का क्या रोड जवाब ले लेते हैं। विमल जी से जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, विमल चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व बीजेपी के विधायक हैं। विमल जी, वोटिंग परसेंटेज पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? वोटिंग परसेंटेज आपसे आप क्या संतुष्टिजनक मानते हैं या अभी उम्मीद है कि ये बढ़ेगा? और उसके बाद जो सवाल जितेंद्र जी ने उठाए उसका जवाब। जी देखिए, ऐसा है, मैं रायपुर लोकसभा में यहाँ रायपुर विधानसभा के हर मतदान केंद्र का भ्रमण कर रहा हूँ जी, और मेरे को मतदाताओं में जो उत्साह दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के बराबर या उससे ज्यादा वोटिंग जो है इस चुनाव में होगी। किसी प्रकार की निराशा नहीं है, लेकिन थोड़ा गर्मी का असर जरूर है, लेकिन सुबह जो है वो बदली थी और मौसम ठंडा था, इसलिए लोग घरों से निकले। अब दोपहर के समय में थोड़ा मतदान कम होगा, लेकिन शाम को 4 से 6 फिर भारी मतदान जो है वो होगा। अब जहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि लोग सरकार से निराश हैं, सरकार ने क्या दिया, सरकार ने दिया या नहीं दिया, क्या दिया, ये कह रहे हैं कि कई बार 15 लाख, महंगाई, नोटबंदी, उस पर जनमत संग्रह 2019 के चुनाव में हो चुका और सरकार को उन सब कामों के लिए भारी बहुमत जो है पिछले बार से ज्यादा भी बहुमत जो है 303 सीट दे करके जनता ने कहा कि आपने जो वादे किए थे पूरे किए, आपने जो काम किया अच्छा किया। और अब ये जो है इन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर के एक प्रकार से फिर से जनमत संग्रह है, और यदि लोग भाजपा के कामों से निराश होते तो भारी मात्रा में वोट डालने जाते। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं हमको कुछ नहीं मिला। अरे कुछ नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देते, कांग्रेस के समर्थन में वोट देते, लेकिन कांग्रेस से इतने निराश हैं कि कांग्रेस का मतदाता वो घर से नहीं निकल रहा और कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब मर चुकी है, इसकी आत्मा समाप्त हो गई है। कांग्रेस घोषणा पत्र है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आप कैसे कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का मतदाता है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है? ये डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होगा आशीष, मुझे लगता है। मैं थोड़ा सा समय देंगे आप, बता रहा हूँ, मैं सारे मतदान केंद्रों में घूम रहा हूँ। कांग्रेस एजेंट नहीं है, कांग्रेस के पंडाल में लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग मतदाता को निकालने में नहीं लगे, हर तरफ उनके उनके बूथ में पंडाल में निराशा। और अभी एक शिकायत मिल रही थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथों के बाहर से भगाया जा रहा है। आप जो है शिकायत करना कांग्रेस की फितरत है, और कांग्रेस के लोग जान रहे हैं कि वो उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो सिर्फ एक ही काम है, कागज और पेन लिखो, ले और शिकायत लिखो। आपको दूसरी बात बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा समय देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता इसके पहले जो आए थे नितिन भंसाली, कह रहे थे कि महिला सुरक्षा जो है वो खराब हो रही है, उस पर आक्रोश है। अपने खुद प्रस्तुत किया राधिका खेड़ा जी, उनका आरोप है कि उस कमरे में जहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कांग्रेस के 3 बड़े प्रवक्ता वहां पर थे, लेकिन उन्होंने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया, उनको कमरे में बंद कर दिया गया, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ बोला कि राधिका खेड़ा जी ने विक्टिम कार्ड खेला है और उन्हें बीजेपी में जाना ही था, लेकिन उसके पहले ये सब कुछ करने के बाद वो बीजेपी में अब जाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी भी जुड़े हैं। जितेंद्र जी, क्यों नहीं इस मुद्दे को हाईलाइट हाईकमान किया, क्यों राधिका खेड़ा की शिकायतों को नहीं सुना गया? रोकेंगे सर, प्लीज रुकिए, जितेंद्र जी से भी सवाल है, पूछ लेने दीजिए,
क्यों नहीं हाईकमान ने इस पर एक्शन लिया? अगर वो इसकी शिकायत बार बार कर रही थी, वो सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से दुर्व्यवहार का उनको सामना करना पड़ा, क्यों कांग्रेस चुप रही, हाईकमान क्यों चुप रहा इस पूरे मामले पर? देखिए, पहली चीज तो राधिका खेड़ा जी ने जिस तरीके से संपर्क स्थापित किया था, लगातार उनकी बात सुनी गई और उनसे ये कहा गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन मीडिया कमेटी के छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, उनके सामने आप अपनी बात रख दीजिए, वहीं पर सारे प्रेस नोटिस और सारा निराकरण होगा। लेकिन राधिका खेड़ा जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई, ये तो राधिका खेड़ा जी की बात सुनिए। अब ये बताइए, ये जो 400 पार की बात अभी कर रहे थे, गुरु गुड़ रह गया चेला शक्कर हो रहा है, इनसे ये पूछिए 370 पर तो प्रधानमंत्री बात करने लगे, आप 400 की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, महिलाओं के खिलाफ कितना बड़ा कांड किया है इनके सांसद के प्रत्याशी ने, प्रधानमंत्री उसको गले लगाते जी। अरे ये चोपड़ा जी, जितेंद्र जी, मैं आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखूंगा, चोपड़ा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ये पैनल आगे भी बना रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा और खबरों का अपडेट्स का सिलसिला दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, जारी रहेगा। और तीसरे चरण के चुनाव में कहां पर क्या कुछ घटना है और ये तो हम आपको बता ही रहे, साथ ही साथ चर्चा भी कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाना है। एक छोटा सा ब्रेक।